कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में हर कोई अपने तौर तरीके से लड़ रहा है। कहीं मेडिकल स्टाफ तो कहीं खाकी वर्दी में पुलिस कर्मी। विश्व पर आई कोरोना वायरस की इस महामारी के खिलाफ गुजरात के राजकोट के लोग भी जमकर खड़े हैं। अपने आसपास रहने वाले लोगों में मनोबल बनाए रखने के लिए हर शाम यहां प्रार्थना की जाती है, जिसमें बड़ों से लेकर बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें, यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। भारत में कोरोना वायरस की दस्तक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। तब उन्होंने देश का समर्थन मांगते हुए 22 मार्च को 5 बजे 5 मिनट तक थाली बजाने की बात कही थी। पीएम मोदी ने देशवासियों से एक दिन का समर्थन मांगा था और राजकोट में रहने वाले ये परिवार कोरोना योद्धाओं के लिए हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं। 22 मार्च से चली हुई ये प्रक्रिया रोज अनवरत शाम को 5 बजे सभी सोसाइटी के सभासद अपनी अपनी बालकनी में अपने घर के दरवाजे पर पूरे लॉकडाउन के संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए हम लोग ये क्रियान्वित कर रहे हैं, और जिसमें शंखनाद घंटनाद थाली बजाते हुए ताली बजाते हुए सभी कोरोना फाइटर्स का हम लोग अभिवादन कर रहे हैं। कोरोना वायरस से छाए काले बादलों के बीच राजकोट की हर्षोल्लास भरी ये तस्वीरें सबको खुशहाल संदेश देने के लिए काफी है। ईशा मालवी की रिपोर्ट, गुजरात तक।